कितना ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है। ये देखिए, अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो समझ लीजिए ये तैयार हो चुका है। तब तक मैं इसे थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, इसमें हम 6-7 बूंदे डाल देते हैं वनीला एसेंस के। इसके बाद हम फिर से इसे फेंट कर अब फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए आपके सामने ये हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक कटोरी दूध ले ली है। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। हम इसमें डालेंगे दूध एक कटोरी, और इसके बाद हम इसमें एक कटोरी ही शक्कर भी डालेंगे। जितना कटोरी दूध उतना कटोरी शक्कर। अब हम इसे आराम से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। यहाँ मिक्स कर दे रहे हैं इसे, फ्लेम बहुत ही स्लो है। यहाँ पर हमने लिए 2 चम्मच मैदा, इसे हम बहुत ही धीरे धीरे डालकर हल्का हल्का मिक्स करेंगे। 2 चम्मच मैदा है, फुल लोडेड चम्मच है ये। फ्लेम याद रहे बहुत ही स्लो रखना है। बस इसको ऐसे घुमाते रहना है, फ्लेम एकदम स्लो है। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बनेगी, बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है ये। मिक्स होने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करेंगे। इसे थिक होने तक हमें अच्छे से बॉईल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, मैदा कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कच्चे का टेस्ट आएगा। इसे एकदम हमें पका देना है और थिक बना देना है एकदम। देखिए फ्रेंड्स, ये उबलना चालू हो गया है, तो हम फिर से गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। मैंने फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है, और ध्यान रहे इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं अभी अब दिखाती हूँ। बस ये तैयार ही होने वाला है, बस ऐसा ही चाहिए हमें। अब हम गैस पूरा बंद कर देंगे। फ्रेंड्स एक बर्तन में निकालकर ऊपर से प्लास्टिक कवर करके हमें फ्रिज में रख देना है। और ध्यान रहे इसके ऊपर अगर मलाई की परत जम जाएगी, एक लेयर आ जाएगा, तो वो मलाई हमें फेंक देना है, उसे हमें मिक्स नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। ये देखिए 100-100 ग्राम का हमारा ये 2 बटर है। मैं इसे खोलकर पहले इसके अंदर डाल लेती हूँ। रूम टेम्परेचर में है, एकदम से मैंने फ्रिज में से नहीं निकाला है। रूम टेम्परेचर में होना चाहिए बटर। हाँ, मैं कोई भी टूल्स अलग यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कलछी यूज़ कर रही हूँ जो घर में दाल निकालने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स मैं जानबूझ के आपको ये सब चीज़ दिखा रही हूँ कि कोई भी इसको आराम से बना सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत स्पेशल कोई व्यवस्था रहे तभी वो केक बना सकता है। तो पहले हम इसको ऐसे बारीक बारीक टुकड़े में कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम इसको देखिए ये मैश हो रहा है। फिर इस तरह से इसको ज़ोर से घुमाएंगे, पहले टुकड़ों में कर लेंगे पहले पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह भी हो गया है। हमें इसको ऐसे ही मेल्ट करके, मतलब आग पे नहीं रखना है इसको, बस ऐसे इसको अब हम घुमाते रहेंगे। एक बार ऐसा समय आएगा कि ये कलर एकदम वाइट हो जाएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने छोटा बर्तन ले लिया है क्योंकि मुझे लगातार इसको घुमाना है। तो आप भी वैसे अपने आराम के लिए कोई छोटा बर्तन ले लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से इसको फेंट सकें। तो ऐसे करते करते थोड़ा देर तक हमें करना रहेगा। और जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर मैं निकाल कर फिर से ये प्रोसेस करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको फ्रिज से निकाल ली है। अब मैं इसको फिर से फेंटना चालू करूँगी। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है,
इसके लिए मुझे एक बार इसको फिर से 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा इतना फ्लफी, इतना ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने निकाल लिया फ्रीज से, अब इस बार ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैंने जो मैदा मैंने पकाया था ना, अब मैं उसमें एक एक चम्मच डाल के फिर से फेटूंगी। तो यहाँ पर मैं पहले एक चम्मच डाल रही हूँ, एक चम्मच और डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये मैंने फ्रिज में रखी थी, अब मैं इसमें इसको फेटती जाऊँगी। अब थोड़ा और डाल लेती हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हमें ये पूरा फेटते जाना है। अब मैं यहाँ पर पूरा डाल देती हूँ। अब आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफी हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गया है। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फ्लफी हो गया ये। अभी इसे थोड़ा फेटना बाकी ही है, इससे पहले ये तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है। ये देखिए, अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो समझ लीजिए ये तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गार्निशिंग की तरफ, तब तक मैं इसे थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, इसमें हम 6-7 बूंदे डाल देते हैं वनीला एसेंस के। इसके बाद हम फिर से इसे फेंट कर अब फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए आपके सामने ये हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है।